वेलकम बैक टू मजाक रात। ऑडियंस बैठी पाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्या नाम है आपका? माय नेम इज आयशा सर। जीते रहो बच्चे। आयशा, घर जाके नियाज बांटना, अपने माइक उठाया हुआ है। आयशा क्या करती हैं आप? बस जब भी नियाज बांटो ना तो इन दो यतीमों का हिस्सा जरूर रखें। ओके डन सर। बाप के जीते जी हम यतीम हैं। आयशा क्या करती हैं आप? सर स्टडी। किस क्लास में? सेकंड ईयर। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। इंशाल्लाह बनेंगी आप। इंशाल्लाह। कोई सवाल? मेरा क्वेश्चन मैम से है। जी जी। मैम इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट प्रिटी पर्सनालिटी, तो शोबिज में मैम आई तो क्या इनके घर वालों ने कोई रेस्ट्रिक्शन की थी इनके लिए? बिल्कुल की थी। बहुत इश्यूज क्रिएट किए थे, स्पेशली अबू बहुत नाराज हुए थे और अबू ने मेरी अम्मी से बोला था कि कुछ मेरी मामा थोड़ी बहुत मेरी साइड ले रही थी, कुछ उनको अपने ज़माने में उनको भी एयर हॉस्टेस बनना था, पापा ने उन्हें नहीं बनने दिया था, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी को जो बनना है उसको तो मैं बनवाऊंगी। अरे लेकिन अब वो अब कहती हैं कि मैंने तो तुम्हें नहीं बोला था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए। शुमाइला जी, गल कर दो पहले। कहती मैं सारे ने गल दसना चाहनी हां, बोली वाली कमेटी को ही ना पाए, फ्रॉड होता है। जी क्या नाम है आपका? शुमाइला। शुमाइला क्या करती हो? स्टडी करती हूँ। क्या कहना चाहोगी? मैं आपके लिए एक शेर सुनाऊंगी। अरे 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 सुनाइए सुनाइए। के वो ऐसा मुस्कुराए, के वो ऐसा मुस्कुराए, हम होश गवा बैठे, अभी हम होश में आने वाले थे वो फिर मुस्कुरा बैठे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन यशमा से है जी, कि पूछिए। अगर आप अदाकारा ना होती तो आपका क्या प्रोफेशन होता? मैं एयरफोर्स पायलट होती। वो कह रही है कि वो एयरफोर्स पायलट होती। कोई और सवाल? क्या हाल है? आई एम गुड सर, आप सुनाए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? तहरीम। क्या करती हो आप? स्टडी। क्या स्टडी? सेकेंड ईयर एफए। क्या बनना चाहती हो? लॉयर। लॉयर। अल्लाह ताला आपको इतनी बड़ी वकील बनाए कि आप जितने भी बेकसूर हैं उनमें से बहुत सौ का साथ दें। अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा वकील। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन, और आपको सुन के खुशी होगी, इन दोनों ने भी ला किया है। और अदालत जाके दो में कर रहे हैं ला ला ला। जी क्या है सवाल? जी मेरा क्वेश्चन यशमा मैम से है। आप काफी देर से शोबिज में हैं, बहुत से आपने रोल किए हैं, तो आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किसके साथ किया है? किस रोल में लुट जाए फकीरों की कमाई। नहीं मैंने ऑनेस्टली, वैसे जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी होती हूँ और मुझे जिस स्क्रिप्ट में लगता है कि मैं ये प्ले करते हुए एंजॉय करूँगी तो मैं तभी उस चीज़ को हाँ बोलती हूँ, तो मैंने अपना हर कैरेक्टर ही बहुत मुझे अच्छा लगा है। बट एक देयर वाज दिस वन दैट इज स्टिल वेरी क्लोज टू माय हार्ट, नूरुल सबा उसका नाम था। अरे नूरुल सबा, वाह वाह क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ए हो जा, दो सवाल कर रहा है। सर मैं कैमरे में नजर आ रहा हूँ कि नहीं? आ रहा हूँ। कैसे है मेरे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। और जो बता कश्ती बह कर रहा स्टूडेंट। जी जनाब क्या नाम है आपका? सैयद उस्मान। क्या करते हैं? मैं मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है जी। सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये तीन लेजेंड बैठे हैं इनसे है। अच्छा जी। लेजेंड। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ा जहरीला जो सवाल आ रहे हैं। ये इधर शाम में थिएटर में आए, इधर शो में आते हैं, जाहिर बात है घर में मूड भी ऑफ होता है, लेकिन इधर आके ये ऑडियंस पे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हैं, क्या मामला है इनके पीछे? ये मेरे भैया अल्लाह ताला ने हर बंदे की ड्यूटी लगाई है जी, और उसका रिस्क उसमें लिखा है। हमारा भी इसी तरह के, हम आप लोगों को खुश करते हैं तो अल्लाह ताला की जात हम पे खुश होती है। दरअसल जब हम अपना काम करके घर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने
आज के दिन का जो काम हमारे जिम्मे था वो बड़े बखूबी तरीके से अंजाम दे दिया। जब आप हमसे राजी हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो काम हम करने आए वो मुकम्मल हो गया, आपका जवाब दुरुस्त हुआ, ये लेला आपका। आप खुश होते हैं ना तो आपकी खुशियों में से जो हमें खुशियाँ मिलती है मैं समझता हूँ कि वो आपकी वजह से हमें मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। नवी आई है थे। नाम बताइए। रूबी। रूबी आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे ना आपके सारे ड्रामे अच्छे लगते हैं लेकिन अलीफ अल्लाह उसमें आपका करैक्टर बहुत अच्छा था भाई। थोड़ा सा हमें भी इसी में हमें भी देखने का मौका मिल जाता ना। भला क्या बिगाड़ा है हमने अल्लाह का तो जिस भी नाजुक दिया उस पर दिल भी नाजुक दे दिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्वेश्चन यशमा मैम से है। जी जी पूछिए। कि मैम आपने जो 5 ड्रामे में रोल किया था वो आपकी रियल लाइफ में कितना मिलता है? वैसे तो मैं अपने भाई से बिल्कुल भी रियल लाइफ में क्लोज नहीं हूँ, उस ड्रामे में लेकिन एक चीज़ जो मैंने खुद उस कैरेक्टर में ऐड भी की थी, अगर आपने देखा तो आपने नोट किया होगा कि जो अपने इमोशंस वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी वो ड्रॉ करती थी। तो मैं ड्रॉ नहीं करती लेकिन मैं ये करती हूँ कि मैं जो चीज़ किसी को कह नहीं पाती मैं अपने नोट्स में लिख देती हूँ। अरे अरे वाह वाह वाह। यशमा प्लीज तशरीफ रखिए। ये मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपका इतना बिजी स्केड्यूल था। आई एम गोना स्टैंड स्टिल। नो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत मजा आया। सॉरी कि मैं लास्ट टाइम नहीं आ सकी लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं थी, जेन्युइन वो बस नहीं लिखा हुआ था। आप आई और खुदा करे कि अल्लाह ताला आपके तमाम ख्वाब पूरे करे, आपकी हर वो ख्वाहिश जिसकी वजह से आपकी आंख में हल्की सी भी नमी आती है वो पूरी हो जाए। आपकी जिंदगी में कोई महरूमी ना रहे। आपके आने का बहुत 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 शुक्रिया यश। थैंक यू सो मच। और अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मौसीकी के ये ओपनर है। क्या क्या शॉटें मारते हैं जनाब, आइए जरा दिखाइए। साकू ढोल मनावनाए, साकू यार मनावनाए, नहीं अजमा में